नमस्ते दोस्तों, आज का टॉपिक है वो है राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। आज हम बात करेंगे राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार के बारे में कि राजस्थान की स्थिति कैसी है और इसका विस्तार उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक किस देशांतर तक है। तो पहले हम बात करते हैं राजस्थान की स्थिति की। राजस्थान है वो हमारे जो इंडिया का मैप है उसमें किस दिशा में स्थित है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो ग्लोब है उसके अनुसार देखते हैं कि हमारा जो इंडिया है वो किस दिशा में है। तो ये ग्लोब है, इसकी होती है उत्तर दिशा, ये होती है दक्षिण, इधर पूर्व, इधर पश्चिम। और जो विषुवत रेखा है वो इस ग्लोब को दो भागों में बांट देती है। कौन से? एक तो उत्तरी गोलार्ध और दूसरा होता है दक्षिणी गोलार्ध। और ये ग्रीनविच रेखा, ये इसको पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध दो हिस्सों में बांट देती है। यानी कि विषुवत रेखा होती है वो तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में, और जो ग्रीनविच रेखा होती है वो पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में बांट देती है। इसमें यहाँ 23.5 डिग्री पे होती है कर्क रेखा। कौन सी? कर्क रेखा। और नीचे 23.5 डिग्री पे होती है मकर रेखा। मकर रेखा। अब देखते हैं कि जो हमारा जो भारत देश है वो किस गोलार्ध में है। ये हमारा है भारत देश। इस तरीके से है। अब हम देखते हैं कि जो हमारा भारत देश है वो किस गोलार्ध में स्थित है, यानी कि उसकी स्थिति है वो किस गोलार्ध में आती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो दिशाएं होती हैं वो अलग-अलग होती हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। और ये वाली दिशा हो जाती है उत्तरी पूर्वी दिशा, इधर वाली हो जाती है दक्षिणी पूर्वी दिशा, इधर वाली हो जाती है दक्षिणी पश्चिमी दिशा, और ऊपर वाली हो जाती है उत्तरी पश्चिमी दिशा। अब हम बता सकते हैं कि हमारा जो भारत है वो किस दिशा में स्थित है। कौन सी दिशा में हो गई? उत्तरी और पूर्वी दिशा। और गोलार्ध हो गया वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब हम बात करते हैं इसमें कि हमारा राजस्थान कहाँ है। तो हमारा राजस्थान है इस दिशा में, यानी कि जो कर्क रेखा है वो हमारे राजस्थान के दक्षिणी हिस्से से होके गुजर रही है। और दक्षिणी हिस्सा वो है हमारा बांसवाड़ा जिला। बांसवाड़ा जिले के मध्य में होके कर्क रेखा निकल रही है। तो अब हम बता सकते हैं कि हमारा जो राजस्थान है वो किस दिशा में हुआ? उत्तरी और पश्चिमी दिशा में। तो हमारे राजस्थान की जो स्थिति है भारत में वो किस दिशा में है? उत्तरी पश्चिमी दिशा में। अब हम बात करते हैं राजस्थान की स्थिति के बारे में कि राजस्थान उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम की अक्षांशीय और देशांतरी रेखाएं कैसे। तो उत्तर में 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश से स्थान कोणा गांव, गंगानगर तहसील, जिला श्री गंगानगर से दक्षिण में 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है स्थान बोरकुंड गांव, कुशलगढ़ तहसील, बांसवाड़ा तक इसका विस्तार है। यानी कि उत्तर से और दक्षिण का विस्तार क्या हो गया? 30 डिग्री 13 मिनट उत्तरी अक्षांश से 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश तक इसका विस्तार है। इधर जो स्थान पड़ता है वो कोणा गांव, गंगानगर, जिला श्री गंगानगर। और जो दक्षिण में है वो बोरकुंड गांव, तहसील कुशलगढ़ तहसील, जिला बांसवाड़ा जिले तक है। इसकी लंबाई, कुल लंबाई है 826 किलोमीटर।
यानी कि उत्तर से दक्षिण का विस्तार हमें पता लग गया। अब हम देखते हैं कि पूर्व से पश्चिम का विस्तार कितना है। पूर्व में धौलपुर जिला और दक्षिण में जैसलमेर जिला। तो पूर्व में 78 डिग्री 17 मिनट, पूर्वी देशांतर, स्थान सिलाना गांव, राजा खेड़ा, तहसील धौलपुर से। पश्चिम में 69 डिग्री 30 मिनट, पूर्वी देशांतर, कटरा गांव, सम तहसील जैसलमेर तक इसका विस्तार है। यानी कि जो ये होती है, ये तो होती है हमारी अक्षांशीय रेखाएं, और ये होती हैं जो होती हैं देशांतरीय रेखाएं। तो देशांतरीय रेखा और अक्षांशीय रेखाओं का हमें पता लगा कि ये तो होती हैं अक्षांशीय रेखाएं, जो कितनी होती है 0 से लेके और 90 डिग्री तक। कितनी? 90 डिग्री तक। और ये होती है हमारी देशांतरीय रेखाएं। देशांतर रेखाएं होती हैं, ये होती है 0 डिग्री से और 180 डिग्री इधर और 180 डिग्री इधर से। यानी कि कुल कितनी हो गई? 360 अक्षांशीय रेखाएं, देशांतरीय रेखाएं। अब हम बात करते हैं कि ये तो हो गई हमारी जो राजस्थान है उसकी स्थिति के बारे में। अब हम देखते हैं कि जो हमारे राजस्थान का नाम कैसे पड़ा, राजस्थान कैसे पड़ा। तो इस सबसे पहले हम देखते हैं परिचय में कि 1800 ईस्वी में सर जॉर्ज थॉमस ने हमारा राजस्थान का नाम दिया था राजपूताना। क्या नाम दिया था? राजपूताना। 1800 ईस्वी में सर जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना नाम दिया था। और इसके बाद हुआ था रजवाड़ा, फिर बना था रायथान, और रायथान के बाद हुआ था राजस्थान। ये हमारे राजस्थान के चार नाम पड़े। अब राजपूताना जो नाम है वो सर जॉर्ज थॉमस की एक पुस्तक थी, उसमें मिलता है कि मिलिट्री मेमोरियल ऑफ जॉर्ज थॉमस, ये पुस्तक का नाम है। और इस पुस्तक की रचना की थी सर जॉर्ज थॉमस के एक मित्र थे और एक जीवनीकार था, जो उसका नाम था सर विलियम फ्रैंकली। उन दोनों ने मिलकर इस पुस्तक की रचना की थी। और सबसे पहले जो राजपूताना नाम था वो इसी पुस्तक में मिलता है। कई बार ये क्वेश्चन आ भी चुका है और आ भी सकता है कि राजपूताना नाम का उल्लेख किस पुस्तक में मिला है। तो कौन सी है? मिलिट्री मेमोरियल ऑफ जॉर्ज थॉमस, इस पुस्तक में राजपूताना नाम मिलता है। राजपूताना नाम के बाद हुआ था हमारा रजवाड़ा, और रजवाड़ा के बाद हुआ था रायथान, और रायथान के बाद पड़ा था राजस्थान। अब हम इसकी देखते हैं आकृति की, हमारे जो राजस्थान है उसकी आकृति कैसी है। एक इतिहासकार था TH हेंडले, उसने जो हमारे राजस्थान की आकृति है वो पतंग के समान बताई है, कि जो राजस्थान की आकृति है वो एक पतंगाकार है। हम देख सकते हैं कि इसकी आकृति कुछ कुछ पतंग के समान जैसी दिखाई देती है, तो इसलिए TH हेंडले ने इसको विषम कोणीय चतुर्भुज नाम दिया है, कि जो इसकी आकृति है वो विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। अब हम इस देखते हैं इसकी स्थलीय सीमा, जो राजस्थान की कुल सीमा है वो कितनी है। इसकी कुल सीमा है 5920 किलोमीटर। अब जो राजस्थान है वो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है और अंतरराज्य सीमा बनाता है। अब हम बात करते हैं राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा और अंतरराज्य सीमा के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा की। अंतरराष्ट्रीय सीमा गंगानगर से और बाड़मेर तक लगी हुई है। गंगानगर का हिंदुमल कोट नाम एक स्थान है वहां से, और बाड़मेर के भाखाशत गांव तक अंतरराष्ट्रीय सीमा लगी हुई है। और जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है लगी हुई है वो देश पाकिस्तान है, और कुल अंतरराष्ट्रीय सीमा है 1070 किलोमीटर। और जो अंतरराष्ट्रीय सीमा, इसका एक नाम दिया गया है, वो नाम है रेड क्लिफ, रेड क्लिफ सीमा।
अब इसका नाम रेडक्लिफ सीमा क्यों दिया? क्योंकि जब इस सीमा का निर्धारण हुआ था वो 17 अगस्त 1947 को हुआ था, और सर रेडक्लिफ नाम का एक अंग्रेज अधिकारी था, उसी ने इस सीमा का निर्धारण किया था। तो इस वजह से उस अधिकारी के नाम पे ही इस सीमा का नाम क्या दे दिया था, रेडक्लिफ सीमा, क्योंकि इसका निर्धारण एक रेडक्लिफ नाम का अधिकारी, अंग्रेज अधिकारी था, उसने इसका निर्धारण किया, तो इसका नाम रेडक्लिफ सीमा दे दिया गया था। अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान से हमारे जो राजस्थान है उसके कितने जिले सीमा बनाते हैं। तो 4 जिले सीमा बनाते हैं, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। कितनी कितनी बनाते हैं? गंगानगर की 210, बीकानेर की 168, जैसलमेर की 464 और बाड़मेर की 228। ये 4 जिले पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा बनाते हैं। और जो पाकिस्तान सीमा के सर्वाधिक जो दूर जिसका मुख्यालय है, जिला मुख्यालय, वो बीकानेर है। और पाकिस्तान सीमा के सर्वाधिक नजदीक जो जिला मुख्यालय है वो गंगानगर का है। अब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान की सीमा के साथ हमारा जो राजस्थान का जिला है, सबसे छोटी सीमा कौन सा जिला बनाता है और सबसे बड़ी सीमा कौन सा जिला बनाता है? तो सबसे छोटी बनाता है बीकानेर और सबसे बड़ी बनाता है जैसलमेर। सबसे छोटी सीमा बीकानेर जिला बनाता है कितनी, 168 किलोमीटर, और सबसे लंबी बनाता है जैसलमेर कितनी, 1,464 किलोमीटर। अब हम देखते हैं, अब हम बात करते हैं अंतर्राज्य सीमा के बारे में कि हमारा जो राजस्थान है उसके कितने जिले अंतर्राज्य सीमा बनाते हैं। तो कुल 23 जिले हैं जो अंतर्राज्य सीमा बनाते हैं। कुल 23 जिले हैं जो अंतर्राज्य सीमा बनाते हैं। सबसे पहले आता है, पहला जो राज्य है वो हमारे राजस्थान से सीमा बनाता है वो है पंजाब। ये 89 किलोमीटर सीमा हमारे राजस्थान के साथ लगती है इसकी, और हमारे राजस्थान के 2 जिले लगते हैं, गंगानगर और हनुमानगढ़, और उधर से पंजाब के भी 2 जिले लगते हैं। दूसरे नंबर पे आता है हरियाणा। हरियाणा की जो सीमा वो है 1,262 किलोमीटर, हमारे राजस्थान से टच है, और जो हमारे राजस्थान के भी इसके साथ 7 जिले लगे हुए हैं, और उधर से हरियाणा के भी 7 जिले लगे हुए हैं। इसके बाद आती है यूपी, 877 किलोमीटर, उधर से यूपी के भी 2 जिले लगे हुए हैं और हमारे राजस्थान के भी 2 जिले लगे हुए हैं। फिर आता है एमपी यानी कि मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की सीमा 1,600 किलोमीटर लगती है, और मध्य प्रदेश के भी 10 जिले हमारे राजस्थान के साथ लगते हैं और हमारे राजस्थान के भी 10 जिले मध्य प्रदेश के साथ लगते हैं। इसके बाद आता है गुजरात। गुजरात की है 1,022 किलोमीटर। तो गुजरात के भी 6 जिले हमारे राजस्थान के साथ लगते हैं और हमारे राजस्थान के भी 6 जिले गुजरात के साथ लगते हैं। अब इसमें से पूछा जाता है कि सर्वाधिक लंबी अंतर्राज्य सीमा किस राज्य से लगी हुई है? तो सर्वाधिक जो लंबी लगी हुई है वो है मध्य प्रदेश, कितनी, 1,600 किलोमीटर, और सबसे कम किस राज्य से लगी हुई है वो है पंजाब से, कितनी, 89 किलोमीटर। और जो इसकी कुल अंतर्राज्य सीमा लगी हुई है वो है 4,850 किलोमीटर। इसकी कुल अंतर्राज्य सीमा 4,850 किलोमीटर हो गई। अब हम बात करते हैं कि दो ऐसे जिले हैं जो अंतर्राज्य सीमा भी बनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं। पहला है गंगानगर जो अंतर्राज्य सीमा भी बनाता है और अंतर्राष्ट्रीय बनाता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है पाकिस्तान के साथ और अंतर्राज्य सीमा बनाता है पंजाब के साथ। इधर से है बाड़मेर जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है पाकिस्तान के साथ और अंतर्राज्य बनाता है गुजरात के साथ। तो ऐसे 2 जिले हुए जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं और अंतर्राज्य सीमा बनाते हैं। अब राजस्थान के ऐसे भी जिले हैं जो ना तो अंतर्राज्य सीमा बनाते हैं और ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो कौन कौन से हैं? नागौर, जोधपुर, अजमेर, पाली, राजसमंद, टोंक और बूंदी। ये 7 जिले हैं जो एक दौसा
ये 8 जिले हैं जो ना तो अंतर्राज्य सीमा बनाते हैं और ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। और पाली जिला एक ऐसा जिला है जिसकी सीमा चारों तरफ से 8 जिलों से लगी हुई है। कौन कौन से हैं देखते हैं। पहला जोधपुर, दूसरा बाड़मेर, तीसरा जालौर, चौथा सिरोही, पांचवा उदयपुर, छठा राजसमंद, सातवां अजमेर और आठवां है नागौर। जो पाली जिला है उसकी जो स्थलीय सीमा है वो चारों तरफ से 8 जिलों से लगी हुई है कि उसके सीमा 8 जिले की सीमा टच कर रहे हैं। तो ये हुई हमारे स्थलीय सीमाओं की बात। अब हम बात करते हैं जिलों के बारे में कि हमारे राजस्थान के ऐसे 2 जिले हैं जो अभी भी अलग अलग 2 भागों में बटे हुए हैं। पहला है अजमेर। अजमेर का एक टोडगढ़ जो तहसील है वो अजमेर से कुछ दूरी पर है और इधर से है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ की जो रावतभाटा तहसील है वो चित्तौड़गढ़ से कुछ दूरी पर स्थित है। तो कह सकते हैं कि राजस्थान के ऐसे 2 जिले हैं जो अलग अलग दूरी पर हैं या फिर अलग अलग स्थित है। कौन सा है, अजमेर है और चित्तौड़गढ़। तो ये हुई हमारे जिलों की बात। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो राजस्थान का नवीनतम जिला कब बना और कौन सा बना। सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि जब हमारे राजस्थान का एकीकरण हुआ था उससे पहले हमारे राजस्थान में प्रांत चलती थी। पहले प्रांत कहते थे जो भी अब बोलते हैं जिले, पहले उनको प्रांत के नाम में बटे हुए थे और उससे पहले थी रियासत। तो हमारा जो राजस्थान का एकीकरण हुआ था उससे पहले रियासतें थी। तो हमारे राजस्थान में 19 रियासतें थी। जब हमारे राजस्थान का एकीकरण हुआ था 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण हुआ था और उस समय अजमेर को राजस्थान का 26वां जिला बनाया था। तो राजस्थान में 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में 26 जिले हो गए थे। उसके बाद 27वां, 28वां, हनुमानगढ़, बारा, दौसा, राजसमंद ये जिले बने थे। तो क्वेश्चन पूछता है कि या तो पूछेगा कि राजस्थान का एकीकरण कैसे में 26वां जिला कौन सा बना, या फिर पूछेगा कि राजस्थान का नवीनतम जिला कौन सा बना। कौन सा बना दोस्तों, प्रतापगढ़। कब बना, 26 जनवरी 2008 को। राजस्थान का 33वां जिला बना और कौन सा है, प्रतापगढ़। ये चित्तौड़गढ़, उदयपुर और बांसवाड़ा से तहसीलें ली गई थी और उनसे ये जिला बनाया था। कौन सा बना था, 33वां जिला। तो दोस्तों ये हुई हमारे राजस्थान की स्थलीय सीमा के बारे में, राजस्थान का नाम यानी कि राजस्थान का परिचय और राजस्थान के नवीनतम जिले इनके बारे में। अब हम बात करते हैं राजस्थान के कुछ पॉइंट हैं उनके बारे में हम बात करते हैं कि पहला पॉइंट आता है राजस्थान में संभाग। संभाग की संभागीय व्यवस्था। राजस्थान में पहले 6 संभाग थे। कितने थे, 6। और 1962 में सुखाड़िया सरकार, 1962 में सुखाड़िया सरकार थी, उस समय हमारे राजस्थान की संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया गया था। और 26 जनवरी 1987 को हरिदेव जोशी की जो सरकार आई थी उसने इस संभागीय व्यवस्था को पुनः स्थापित कर दिया गया था। और पुनः स्थापित किया था तब हमारे राजस्थान में 6 संभाग थे। कौन कौन से थे, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, कोटा और जयपुर। उस समय 6 संभाग थे और 7वां संभाग बना था 4 जून 2005 को। कौन सा, भरतपुर। नवीनतम संभाग है, कौन सा है, नवीनतम संभाग। कह सकते हैं कि हमारे राजस्थान का जो नवीनतम संभाग है वो कौन सा बना, तो कौन सा है, भरतपुर। कब बना, 4 जून 2005
को। ये हुई राजस्थान के संभागों के बारे में बात। अब हम बात करते हैं राजस्थान के कुछ पॉइंट हैं, जैसे कि वर्षा है, उच्चतम बिंदु है, आंधी तूफान है, ये किस जिले में ज़्यादा आते हैं या कम आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान के जिले के बारे में कि राजस्थान के जिले, तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला और सबसे छोटा जिला। उससे पहले मैं बताती हूँ कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर और सबसे छोटा जिला है धौलपुर। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर, सबसे छोटा जिला है धौलपुर। अब आता है कि जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है और सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है जयपुर और सबसे छोटा जिला है जैसलमेर। जैसलमेर क्षेत्रफल की दृष्टि से तो बड़ा है लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से छोटा है, और इसमें जो तहसील है वो चार ही तहसील है। सर्वाधिक तहसीलें पाई जाती हैं जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा में। सर्वाधिक तहसीलें हैं, कितनी है, 16-16, और अलवर में। इनमें 16-16 तहसीलें हैं जबकि जैसलमेर में चार ही तहसील हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा है लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से छोटा है, यहाँ जनसंख्या बहुत कम मिलती है और सर्वाधिक जनसंख्या है वो मिलती है जयपुर में। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है नगर, कि सबसे छोटा नगर कौन सा है और सबसे बड़ा नगर कौन सा है। सबसे बड़ा नगर है जयपुर, नगर भी सबसे बड़ा जयपुर है, और जो सबसे छोटा नगर है वो है बोरखेड़ा नगर बांसवाड़ा का, वो बांसवाड़ा में स्थित है। बोरखेड़ा नगर है वो बांसवाड़ा में स्थित है। इसके बाद आता है वर्षा या आर्द्रता, यानी कि सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान जिला कौन सा है और सर्वाधिक आर्द्र वाला स्थान जिला कौन सा है। तो सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है झालावाड़, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है झालावाड़, और आर्द्र, जो सर्वाधिक आर्द्र वाला जिला है वो भी झालावाड़ ही है, और सबसे जो और जहाँ स्थान पूछे, जिला तो झालावाड़ हो गया लेकिन स्थान पूछे कि सर्वाधिक आर्द्र स्थान कौन सा है या फिर सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है, तो वो है सिरोही का माउंट आबू। माउंट आबू में सर्दी पड़ती है, आर्द्र स्थान हुआ, और वर्षा भी वहाँ पे अधिक होती है। अब आता है सबसे ठंडा और गर्म स्थान, कि सबसे ठंडा स्थान कौन सा है और सबसे गर्म स्थान कौन सा है। तो सबसे ठंडा स्थान है वो है माउंट आबू सिरोही में, जहाँ अत्यधिक ठंड पड़ती है, और सबसे गर्म स्थान है वो है फलोदी जोधपुर। कौन सा है? फलोदी जोधपुर। और अब हम बात करते हैं कि राजस्थान का सबसे उच्चतम बिंदु और सबसे न्यूनतम बिंदु, यानी कि राजस्थान का सबसे ऊंचा बिंदु और सबसे नीचा बिंदु कौन सा है। सबसे ऊंचा बिंदु है गुरु शिखर, गुरु शिखर, और सबसे न्यूनतम बिंदु है वो है सांभर झील, सांभर झील। सांभर झील कहाँ है? जयपुर में। गुरु शिखर एक चोटी है जो कि राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है, और सांभर झील है वो न्यूनतम बिंदु है, क्योंकि सांभर झील का जो तल है वो समुद्र के तल से भी नीचा है, इसलिए ये सबसे न्यूनतम बिंदु है। अब हम बात करते हैं कर्क रेखा की। मैंने बताया था कि हमारे भारत में होके कर्क रेखा गुजर रही है और राजस्थान से भी होके कर्क रेखा गुजरती है। तो राजस्थान के बांसवाड़ा जिले, राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से कर्क रेखा गुजर रही है, और डूंगरपुर जिले की सीमा को तो छूते हुए और बांसवाड़ा जिले के बीचों बीच होकर कर्क रेखा गुजर रही है, और राजस्थान में कर्क रेखा की कुल लंबाई है 24 किलोमीटर की। राजस्थान में जो कर्क रेखा गुजर रही है उसकी कुल लंबाई 24 किलोमीटर है। यह डूंगरपुर की सीमा को छूते हुए और बांसवाड़ा के बीचों बीच होके निकल रही है।
तो दोस्तों ये हुई हमारी आज की राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार के बारे में बात, कि राजस्थान की कैसी स्थिति थी, इसका विस्तार उत्तरी अक्षांश से दक्षिणी अक्षांश तक और पूर्वी देशांतर से पश्चिमी देशांतर तक, और इसके संभाग और जिले कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है जनसंख्या की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो दोस्तों ये हुई हमारे आज के राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार के बारे में। तो दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेश, के राजस्थान के कितने भौतिक प्रदेश हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखें। तो दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।